नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एवाईसी। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपनी वीडियो के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैक्स को कहां से ले सकते हैं, वो भी सही तरीके के साथ, और अपनी वीडियो में कैसे लगाकर अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने चैनल को भी ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, प्लीज़ नीचे रेड बटन में जाकर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो, ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है आने वाले टाइमों में, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे मुश्किल बात होती है अपनी वीडियो में टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैक्स लगाना। जी हाँ, जब भी आप अपनी वीडियो बनाते हो तब आपके दिमाग में उसी चीज़ को लेकर आता है, हाँ भी मैं अपना टाइटल किस तरह से रखूँ जो कि अट्रैक्टिव भी लगे, लोगों को पढ़ने में आसानी भी हो सके, और साथ ही साथ अपने आप टैक्स भी देखते हो, हाँ भी मैं अपनी वीडियो के लिए टैक्स कहाँ से लेकर आऊँ। और आप बहुत ज़्यादा सर्च करते हो और जिस वीडियो पे टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हो उस वीडियो के टॉपिक पर आप टैक्स लिख लेते हो। हालांकि वो वीडियो थोड़ी सी रैंक होनी शुरू हो जाती है, पर इतनी रैंक नहीं होती जिस वजह से आपका चैनल ग्रो भी नहीं होता इतना। इस वजह से आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, आप किस सही तरीके से अपने वीडियो के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैक्स ले सकते हैं जिससे आपका चैनल भी ग्रो हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप बाई स्टेप वन की। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल की, आपको टाइटल किस चीज़ का लेना है। जैसे कि मान लो आप एक यूट्यूबर हो, यूट्यूब की टिप्स पर वीडियो बनाते हो, मोबाइल अनबॉक्सिंग पर वीडियो बनाते हो या किसी रिव्यू पर वीडियो बनाते हो, सबसे पहले आपको उसको पहले यूट्यूब पर सर्च करना होगा। सर्च करने के मुताबिक आपको उस वहाँ पर देखना होगा कैसे लिख कर आता है। जैसे कि मान लो हम यूट्यूब की टिप्स पर लिख लेते हैं, मैं न्यू अपडेट्स लिखता हूँ, यूट्यूब न्यू अपडेट्स। जैसे कि लिखने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को खुल मिल जाता है, जहाँ पर बहुत सारे ढेर सारे लिखे होते हैं न्यू अपडेट्स, कुछ जिस तरह से आपको अट्रैक्टिव लगे, जैसे कि लोग देखना पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों ने किस वीडियो पर देखा है, किस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ है, आप उसके टाइटल को देखें। उसको टाइटल को देखने के बाद आप उस थोड़ा सा चेंज करना अपने टाइटल में, ज़रूरी नहीं जो कि इसने टाइटल रखा है वही अपने वीडियो में टाइटल रखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू यूट्यूब न्यू अपडेट्स, ऐसे कि आप भी लिख सकते हैं न्यू यूट्यूब न्यू अपडेट्स फरवरी के महीने में, जैसा कि आज फरवरी चल रही है, फरवरी लिख देना, 2019 लिख देना, ऐसे एक थोड़ा सा अट्रैक्ट भी लगता है और पता भी चलता है अभी ये 2019 का न्यू अपडेट है YouTube की तरफ से। इससे आपके टाइटल को ढूंढने में आसानी होगी और आपको टाइटल भी पता चल जाएगा, हाँ अभी हमको अपनी वीडियो का टाइटल किस तरह से रखना है और कैसे रख सकते हैं। थोड़े थोड़े से वर्ड इनमें से चुरा ले, थोड़े थोड़े से वर्ड अपने दिमाग से लगाओ। जैसे कि अब बात करते हैं दूसरे टिप्स की, आप डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हो। जैसे कि मान लो आप अपनी वीडियो YouTube की टिप्स पर वीडियो बनाते हो, मोबाइल अनबॉक्सिंग पर वीडियो बनाते हो, वहाँ पर आप बड़े आसानी से लिख सकते हो, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजय है, मैं टेक्नोलॉजी AYC से बोल रहा हूँ, आज हम अपनी वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, ये वो करने वाले हैं। आप इस तरह से टाइटल लिख दिए, लिखने के बाद उसके नीचे आप अपने चैनल का लिंक दे सकते हैं, या अगर आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, आप उसका लिंक दे सकते हैं, और उसी के साथ नीचे और टैग्स आते हैं जो कि हमको लिखने होते हैं, हम वैसे कैसे पता कर सकते हैं जो कि रैंकिंग में ज़्यादा है। जैसे कि मान लो यूट्यूब पर टिप्स है, आप वैसे यूट्यूब में से आकर सर्च कर सकते हैं हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स, हाउ टू गेट चैनल ग्रो, ऐसा पर चैनल प्रमोट, ऐसा कुछ लिखकर आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। उससे रिलेटिव आपको ढेर सारी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जो भी सर्च कर लो हाउ टू गेट 100 सब्सक्राइबर्स, हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स, ऐसे लिख कर आपको ढेर सारे नीचे देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये सब लोग सर्च करते हैं, इस वजह से ये आपको भी नज़र आती है आपको किस कैटेगरी में आपको वीडियो चाहिए, इस वजह से आपको यहाँ पर नज़र देखने को मिल जाती है। आप इनमें से सबको कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, कोई भी अगर YouTube की टिप्स को सर्च करे उसमें आपकी वीडियो नज़र आए, और इसमें आपके भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपकी वीडियो में व्यूज़ आने के, और इससे भी आपका चैनल ग्रो हो सकता है। अब बात करते हैं अपने टैग्स कहाँ से लेकर आ सकते हैं, वो भी रियल तरीके का, जिससे हमारी वीडियो को वायरल होने के हमारे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं। आपको सिंपली ये करना है, अगर आप किसी भी रियलिटी पर वीडियो बनाते हो, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो, मोबाइल अनबॉक्सिंग पर वीडियो बनाते हो, सर्च सीधा ही करना है आपको, वहाँ पर सर्च करना है आपका कौन सी कैटेगरी का आप वीडियो बनाना चाहते हो, आपको वहाँ पर सिंपली सर्च करना है
आउट ओप्पो का ये V15 Pro अनबॉक्सिंग आपको ऐसा सर्च करना है, वहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं सर्चिंग में, प्राइस इन इंडिया, वीवो V15 प्राइस इन इंडिया, लॉन्च इन इंडिया, ऐसे बहुत सारे ढेर सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही सकते हो। और साथ ही साथ उसमें आपको सर्च करने के बाद आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर जाना है, सबसे फर्स्ट नंबर पर जाने के बाद उसका आपको लिंक कॉपी करना होगा, कॉपी करने के बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम आप सभी को पता है एश यू टैक्स यूट्यूबर होता है, वो करके डाउनलोड करके आपको रखना है। उसमें आपको अपने उस वीडियो का कॉपी पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको ढेर सारे टाइटल देखने को टैक्स देखने को मिल जाते हैं नीचे की तरफ, आपको उन सभी टैक्स को उन सबको कॉपी करके अपने एक नोट में लिख लेना है। नोट में लिखने के बाद आप में उसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं, चेंजेस क्या करने हैं, जैसे कि आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हो, जैसे कि आप और भी कुछ लिख सकते हो, ओप्पो के न्यू वर्जन, ओप्पो का स्मार्टफोन फीचर्स, ऐसा कुछ और ऐड करने हैं जैसे कि लगे यूट्यूब को भी पता चले हाँ भाई ये बंदे ने उसके टैक्स कॉपी नहीं किए, इसने अपने भी लिखे हैं। इससे भी आपके रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको भी पता चल जाता है हाँ भी इसकी वीडियो रैंकिंग में जा रही है, इससे भी आपकी वीडियो को पुशअप मिलता है और आपकी वीडियो भी रैंकिंग में जाना शुरू हो जाती है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैक्स किस तरह से लिखने हैं और किस तरह से आपके वीडियो को वायरल करना है। मेन मुद्दा यही होता है आपको जो जो मैंने इस वीडियो में बताया आपको उसको फॉलो करना है 100%। मैं भी अक्सर ऐसा ही करता हूँ, मैं भी, आप मेरे वीडियो के नीचे जाकर देख सकते हो, मैंने भी जौन सी वीडियो पर टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ उस पर भी मैं टाइटल नीचे लिखता हूँ, जिससे मेरे वीडियो के व्यूज़ आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और चैनल भी ग्रो हो जाता है। आप भी ऐसा करो, आपका भी 100% चैनल ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।